नमस्कार, खबर दुनिया में आज देखेंगे। श्रीलंका में बढ़ा राजनीतिक संकट, ब्रेक्जिट पर फिलहाल बची थेरेसा मे की सरकार, छात्रों से घबराया चीन और पाक पर सख्त हुआ नीदरलैंड्स। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगे में बात करेंगे प्यार के पागलपन की और भी बहुत कुछ। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्व मित्रा। 26 अक्टूबर से शुरू हुआ श्रीलंका का राजनीतिक संकट अब गंभीर हो चला है। स्थिति ऐसी बन गई है कि श्रीलंकाई संसद में विक्रमसिंघे और राजपक्षे दोनों गुटों के सांसद आपस में भिड़ गए और हाथापाई भी हुई। देखते हैं रिपोर्ट। 26 अक्टूबर को श्रीलंका में उस वक्त राजनीतिक उथल पुथल मच गई जब राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे की सरकार को बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके बाद सिरिसेना ने संसद भंग करते हुए राजपक्षे को बहुमत साबित करने के लिए वक्त दिया। बाद में राष्ट्रपति ने 5 जनवरी को आकस्मिक चुनाव कराने का फैसला भी सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति सिरिसेना का फैसला पलटते हुए आकस्मिक चुनाव पर रोक लगा दी। बीते बुधवार श्रीलंकाई संसद ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पास किया, लेकिन महिंदा राजपक्षे ने गुरुवार को दावा किया कि स्पीकर के पास ध्वनि मत से उन्हें पद से हटाने का अधिकार नहीं है। राजपक्षे चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग पर विक्रमसिंघे के यूनाइटेड नेशनल पार्टी यानी UNP ने सदन का मत लेने की बात कही, जिसे स्पीकर कारू जयसूर्या ने स्वीकार कर लिया। इससे नाराज कुछ सांसद सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे। 35-36 सांसद आपस में भिड़ गए और मारपीट भी हुई। राजपक्षे का समर्थन करने वाले सांसद स्पीकर की ओर पानी की बोतलें, किताब और खाली कैन फेंकने लगे, ऐसी खबरें हैं। करीब आधा घंटे तक चले इस तमाशे के बाद जयसूर्या ने संसद बर्खास्त कर दी। श्रीलंका का यह राजनीतिक संकट लोकतांत्रिक राजनीति का मखौल है। सत्ता के लिए खुलेआम साजिशें हो रही हैं और संसद में मारपीट। अब देखना यह है कि जनता इस पर क्या रुख अपनाती है। वैसे सियासी उथल पुथल ब्रिटेन में भी हुई, जहां मसला ब्रेक्जिट का था, जिस पर थेरेसा मे को आलोचना सहनी पड़ी, हालांकि उनकी कुर्सी बच गई। ब्रेक्जिट के मुद्दे पर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के वार्ताकारों में समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनने के बाद इसकी समीक्षा के लिए बीते बुधवार जब कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई तो उसमें काफी गहमा गहमी रही। 5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में प्रधानमंत्री थेरेसा मे को सांसदों की आलोचना का शिकार होना पड़ा। इस बैठक में डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी काफी उग्र दिखाई दी और उसने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की बात कह डाली। लेबर पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सरकार साफ करे कि वो किसके पक्ष में है। आपको बता दें कि EU और ब्रिटेन के बीच करीब 585 पेज का एक दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसको देश के हित में बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर फिलहाल जबरदस्त घमासान मचा है। थेरेसा मे पहले ही कह चुकी हैं कि वो कोई भी फैसला देश हित में लेंगी, ऐसा कोई भी कदम जिससे देश को नुकसान हो वो नहीं उठाने वाली, न ही देश के बंटवारे का घातक कदम वो उठाएंगी। लेकिन इन तमाम सहमति, समझौतों और आश्वासनों के बावजूद ब्रिटेन में सियासी घमासान मचा है। इस मसले पर दोबारा जनमत संग्रह कराए जाने की मांग हो रही है। आपको बता दें कि EU से औपचारिक रूप से ब्रिटेन के अलग होने में अब 5 महीने ही बचे हैं। अगले साल 29 मार्च को ब्रिटेन को पूरी तरह से EU से अलग होना है, लेकिन वार्ताकार अभी ब्रिटेन प्रशासित उत्तरी आयरलैंड और EU के सदस्य आयरलैंड के बीच सीमा के निर्धारण के लिए बैकअप योजना को लेकर ही उलझे हुए हैं। ब्रेक्जिट के मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने वाली उत्तरी आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी ने ब्रेक्जिट समझौते पर थेरेसा मे सरकार की बातचीत को विश्वासघात करार दिया है। DUP ने साफ कर दिया कि वो ब्रिटेन को विभाजित करने वाले किसी भी समझौते का समर्थन नहीं करेगी। ब्रिटेन में सरकार ब्रेक्जिट मुद्दे पर परेशानी में है। उधर चीन में सरकार थियनमान चौक की घटना याद करके परेशान है और इसलिए वो छात्रों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। चीन की सरकार विरोध प्रदर्शनों में छात्रों की भागीदारी से परेशान नजर आ रही है। हाल ही में मजदूरों के समर्थन में हुए प्रदर्शन में छात्रों के शामिल होने के बाद सरकार ने विश्वविद्यालयों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। चीन की प्रतिष्ठित पेकिंग यूनिवर्सिटी में छात्रों को घोषित तौर पर ऐसे प्रदर्शनों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि चीन में फैक्ट्री मजदूरों के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के गायब होने का सिलसिला जारी है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक दर्जन भर प्रदर्शनकारी लापता हो चुके हैं, जिनमें से अधिकतर छात्र हैं। जानकारी के मुताबिक गायब हुए प्रदर्शनकारियों में से 5 ने हाल ही में पेकिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक छात्र को कुछ लोग अचानक दबोच कर एक कार में ले गए। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि ये कानून के अनुरूप पुलिसिया कार्रवाई थी। गौरतलब है कि पेकिंग यूनिवर्सिटी को छात्र आंदोलनों का गढ़ माना जाता है। 1919 में हुए आंदोलन और 1989 में थियानमिन चौक पर लोकतंत्र के समर्थन में हुए आंदोलन में इस यूनिवर्सिटी के छात्रों की अहम भूमिका रही थी। बीते बुधवार को भी यूनिवर्सिटी ने छात्रों को चेतावनी देते हुए कहा कि श्रम अधिकारों को लेकर हो रहे प्रदर्शनों से दूर रहें, कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी ने कहा,
हमारा भरोसा है कि ज्यादातर छात्र संवेदनशील हैं, लेकिन अगर अफवाह फैलाने वाले या प्रतिक्रियावादी लोग आपके आसपास हैं तो उनसे दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग आपके अध्यापक, मित्र या सहपाठी कोई भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि इसी हफ्ते यूनिवर्सिटी की कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी ने कैंपस में अनुशासन पर नजर रखने और नियंत्रण व प्रबंधन के लिए नई इकाइयों का गठन किया है। यूनिवर्सिटी ने पूर्व छात्रों को भी किसी तरह के आंदोलन और प्रदर्शन से दूर रहने को कहा है। चीन की सरकार का छात्रों के लिए यह दमनकारी रवैया खतरनाक है, साथ ही नागरिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस पर क्या कहती है, ये देखने वाली बात रहेगी। वैसे मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले इंटरनेशनल संगठन एमनेस्टी ने रोहिंग्याओं के अधिकारों पर म्यांमार की नेता आंग सान सूची के खिलाफ कार्रवाई की है। मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल से म्यांमार की नेता आंग सान सूची को झटका लगा है। म्यांमार की सेना द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए अत्याचार को देखते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आंग सान सूची को दिया गया अपना सर्वोच्च सम्मान वापस ले लिया है। लंदन स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि रोहिंग्याओं पर हुए अत्याचार पर सूची का रवैया उदासीन था। अपने बयान में संगठन ने कहा कि वह सूची को दिया गया एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड वापस ले रहा है, जो उसने उन्हें 2009 में उस समय दिया था जब वो अपने घर में नजरबंद थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की प्रमुख कुमी नायडू ने खत में कहा, आज हम अत्यंत निराश हैं कि आप अब आशा, साहस और मानवाधिकारों की रक्षा की प्रतीक नहीं हैं। समूह ने कहा कि उसने अपने फैसले के बारे में सूची को रविवार को ही सूचित कर दिया था, हालांकि इस बारे में अब तक उनकी कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीते सप्ताह ही अमेरिका ने भी मांग उठाई थी कि बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थियों की म्यांमार में सम्मानजनक वापसी होनी चाहिए। कट्टरपंथ के खिलाफ और अधिकारों के संघर्ष को लेकर एक बड़ा फैसला नीदरलैंड्स ने भी लिया है, जिसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नीदरलैंड्स ने पाक स्थित अपने दूतावास से वीजा देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। पाकिस्तान में ईश निंदा मामले में ईसाई महिला आसिया बीबी को अदालत से बरी करने से कट्टरपंथी नाराज हैं। कट्टरपंथियों ने देश के प्रमुख शहरों की सड़कें जाम कर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हत्या करने तक की धमकी दी थी, और आसिया बीबी की पैरवी करने वाले वकील को शरण देने के कारण नीदरलैंड्स भी अब पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। दरअसल आसिया बीबी के मामले की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील सैफुल मुलुक फैसला आने के बाद नीदरलैंड्स चले गए। वहां उन्होंने अपने और अपने परिवार की जान पर खतरा बताया था। बीते गुरुवार को नीदरलैंड सरकार ने मुलुक को अस्थायी शरण देने की बात कही। कट्टरपंथियों को पालने पोसने का अड्डा बने पाकिस्तान को अब नीदरलैंड्स ने जोर का झटका दिया है। इस यूरोपीय देश ने पाकिस्तान स्थित अपने दूतावास से वीजा देने और पासपोर्ट सर्विस से जुड़े कार्य अस्थायी रूप से बंद कर दिए, लेकिन नीदरलैंड्स ने इस्लामाबाद स्थित अपने दूतावास को बंद करने की चर्चा को खारिज कर दिया है। डच सरकार ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान स्थित दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहां से जारी होने वाले वीजा और अन्य सुविधाओं को फिलहाल रोक दिया गया है। पाकिस्तान के जो हालात हैं वे हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, इसलिए अस्थायी तौर पर यह निर्णय लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार डच दूतावास को धमकियों के चलते अघोषित रूप से बंद किया गया, लेकिन नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई फैसला फिलहाल नहीं किया गया है। दूतावास और वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। इस बाबत पाकिस्तान सरकार से बात की जा रही है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोषमुक्त हुई 5 बच्चों की मां आसिया बीबी फिलहाल कहां है ये साफ नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने आश्वस्त किया है कि आसिया की सुरक्षा का सरकार पूरा ध्यान रखी है। आसिया के पति ने परिवार की सुरक्षा के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं से मदद की गुहार लगाई है। और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। प्यार उम्र जाति और देश परदेश का बंधन नहीं मानता, ये तो सुना था, लेकिन सजीव और निर्जीव का बंधन भी जो प्यार न माने उसे तो फिर दीवानगी ही कहेंगे। देखिए ऐसी एक दीवानगी जो जापान से सामने आई है। जापान के 35 साल के अकिहिको कोंडो को एक गुड़िया से प्यार हो गया जो एक वर्चुअल रियलिटी सिंगर है। उन्होंने इस सिंगर गुड़िया से शादी करने का फैसला किया। उनका परिवार इस फैसले से खुश नहीं था क्योंकि अकिहिको ने किसी जिंदा इंसान की बजाय एक गुड़िया से ब्याह रचाना तय किया। अकिहिको ने अपनी शादी पर तकरीबन 13 लाख रुपए खर्च किए। उनकी शादी में परिवार के सदस्य तो मौजूद नहीं रहे, लेकिन बावजूद इसके तकरीबन 40 मेहमान इस समारोह के गवाह बने। अकिहिको ने अपनी दुल्हन का नाम हसुने मिकू रखा है। बिल्ली के आकार की यह गुड़िया होलोग्राम से लैस है और इसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। जानकार बताते हैं कि जापान में युवा शादी करने से काफी कतरा रहे हैं और बैचलर्स अकेलापन दूर करने के लिए कई बार आधुनिक चीजों में रुचि दिखाते हैं। अकिहिको का फैसला भी ऐसा ही एक रुझान दिखा रहा है।
अकीहिको ने कहा कि मीकू के बारे में वे हमेशा सोचते रहते हैं और वे खुद को अब एक शादीशुदा सामान्य आदमी मान रहे हैं। आपको बता दें कि मीकू एक कैरेक्टर मॉडल है जिसे की नाम के एक आर्टिस्ट ने क्रिप्टन के वोकलॉयड वॉयस सिंथेसाइजर के लिए डिज़ाइन किया था। इसकी आवाज़ साकी फुजिता नाम की एक एक्ट्रेस से मिलती है। अकीहिको ने इस वर्चुअल सिंगर की तरह की गुड़िया से अब शादी कर ली है। ले गई दिल गुड़िया जापान की ये गीत एक वक्त बहुत चर्चित हुआ था। अब इस गीत को सच होते देख भी लिया, जहां जापान की गुड़िया ने ऐसा दिल जीता कि जीवन साथी ही बन गई। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।